गुड डे टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट स्टूडेंट टूडे आई शैल टीच यू क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश विस्टाज लेसन नंबर फोर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द एनिमी एंड नेम ऑफ द राइटर इज़ पर्ल एसबक एंड इट्स ए पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर. स्टूडेंट इट्स ए थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर द एनिमी एंड स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम बिफोर दिस वी हैव रेड. स्टूडेंट इससे हमने पहले पढ़ा था डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ हाना. डॉक्टर सडाओ और उसकी वाइफ जो थी देवर इन देयर हाउस वो अपने घर में थे. एंड दे सॉ ए मैन नियर देयर हाउस उन्होंने एक आदमी देखा. ही वॉज लाइंग इन ए वाउंडेड कंडीशन वो जख्मी हालात में वहाँ पर पड़ा हुआ था. एंड ही वॉज अनकॉन्शियस ऑल्सो और उसे होश भी नहीं थी. सो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हेयर. इन द बैग सडाओ एग्री सडाओ जो है ये एग्री हो गया था इन द बैग कि इसको दोबारा से पानी में डाल दें. दे हेसिटेटेड लुकिंग एट अदर दे हेसिटेटेड वो जो है हिचकिचा रहे थे. लुकिंग एट ईच अदर एक दूसरे को देख रहे थे. देन हाना सेड विद द रेजोल्यूशन और हाना ने जो है दृढ़ निश्चय से बोला कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी क्या आओ हम क्या इसको जो है दोबारा से पानी में डाल देंगे. इफ़ आई एम एबल आर यू अगर मैं ये योग्य हूँ क्या तुम हो. सडाओ आज सडाओ ने बोला नो हाना सैंड हाना ने बोला नहीं. बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन क्या तुम अकेले कर सकते हो. सडाओ हेसिटेटेड अगेन सडाओ जो है दोबारा हिचकिचाया. द स्ट्रेंज थिंग इज और अजीब चीज़ क्या है उनको लगी. ही सैड उसने बोला दैट इफ़ द मैन वर होल आई को टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी अगर मैं इस व्यक्ति को पूरे को जो है मैं बिना किसी प्रॉब्लम के पुलिस को दे देता हूँ. आई केयर नथिंग फॉर हिम तो मैं उसके लिए कोई परवाह नहीं करता. ही इज़ माई एनिमी क्योंकि ये तो हमारा दुश्मन है. ऑल अमेरिकन आर माई एनिमी और जितने भी अमेरिकन में रहने वाले हैं वो मेरे दुश्मन हैं. एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो और यही जो है एक कॉमन फेलो है कॉमन व्यक्ति है. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज तुम देखो इसका चेहरा कितना मूर्ख लग रहा है. बट सिंस ही इज़ वाउंडेड परंतु क्या है कहते मूर्ख तो है उसका चेहरा लग रहा है बेवकूफ लग रहा है. बट सिंस ही इज़ वाउंडेड परंतु क्या है वो जख्मी है. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी तुम इसको पानी में नहीं फेंक सकते समुंदर में नहीं फेंक सकते. हाना सेड हाना ने बोला देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू फिर तुम्हें एक ही काम करना पड़ेगा. वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस चलो इसे घर पर ले आते हैं. बट द सर्वेंट्स सडाओ सडाओ इंक्वायर सडाओ ने जो है इंक्वायर करते हुए इंक्वायरी नज़रों से पूछा परंतु नौकर क्या बोलेंगे घर के अगर हम अंदर लेके आ गए तो. वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस. वी मस्ट सिंपली टेल देम हमें जो है उनको सिंपली ये बताना दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू पुलिस हम जो है अपने नौकरों को ये बता देंगे कि हम इसे पुलिस को दे देंगे. एज इंडीड वी मस्ट कहते असल में जो है हमें ज़रूर ऐसे करना चाहिए. सडाओ ने बोला वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड यूर पोजिशन हमें जो है बच्चों के बारे में भी सोचना है आपकी पोजिशन के बारे में भी सोचना है. इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस नहीं तो हमें सबको एंडेंजर हो जाएगा हम खतरे में आ जाएंगे. इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर ए प्रिजनर ऑफ वॉर अगर हम इन्हें इस प्रिजनर ऑफ वॉर को युद्ध के कैदी को जो है हमने पुलिस को नहीं दिया तो ये हमारे लिए खतरा हो जाएगा. सडनली सडाओ एग्रीड सडाओ जो है एग्री डॉक्टर सडाओ जो है एग्री हो गया कि हाँ ये तो निश्चित है. आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनी थिंग एल्स मैं कुछ और करने के बारे में नहीं सोचूंगा. दस एग्री टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन वो एग्री हो गए दोनों जो है एग्री हो गए सहमत हो गए और उन्होंने टुगेदर मिल के क्या किया दे लिफ्टेड द मैन आदमी को उठाया. ही वॉज वेरी लाइट बहुत हल्का था. लाइक ए फाउल फाउल होता एक मुर्गी की तरह था. दैट हैड बीन हाफ स्टार्व जो आधा भूखा होता है फॉर ए लॉन्ग टाइम कहते एक लंबे टाइम के लिए जो आधा भूखा होता है मुर्गा उसकी तरह हल्का था. अंटिल इट इज़ ओनली द फेदर्स एंड द स्केल्टन सिर्फ क्या है ऐसे था जिसके उसके पंख हैं और स्केल्टन है पिंजर है उसका. सो हिज आर्म्स हैंगिंग और उसकी आर्म्स भी लटक रही थी. दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स वो उसको जो है उठा के ले गए सीढ़ियों तक एंड इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस और अपने घर के जो साइड डोर था वहाँ ले गए. दिस डोर ओपन इन टू ए पैसेज और इस दरवाजे से आगे एक रास्ता जाता था एंड डाउन द पैसेज और नीचे भी एक रास्ता था. दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम और उस आदमी को कहाँ ले गए एक एम्प्टी बेडरूम जो खाली रूम था वहाँ ले गए. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ द सडाओ'स फादर और ये बेडरूम क्या था स्टूडेंट सडाओ के फादर का था जहाँ पे वो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर को ले गए आदमी को ले गए. सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज और जब सडाओ के फादर की डेथ होगी उसके बाद इसको यूज़ नहीं किया गया. दे लेड द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर
और उन्होंने ये मैटेड फ्लोर पे, जो मिट्टी वाले फर्श पे, उसको लिटा दिया. एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज, यहाँ पे हर चीज़ जो थी वो जैपनीज थी, टू प्लीज द ओल्ड मैन. एक बूढ़े आदमी को जो पसंद था, जो बुज़ुर्ग आदमी को पसंद था, वहाँ पे हर चीज़ जैपनीज थी. हु वुड नेवर इन हिज होम सिट ऑन ए चेयर, और जो कभी भी अपने घर पे जो है, हु वुड नेवर इन हिज ओन होम, वो अपने घर में कभी भी सिट ऑन ए चेयर, कभी कुर्सी पे नहीं बैठे, और स्लीप ऑन इन ए फॉरन बेड, और जो विदेशी बिस्तरा था उस पर कभी नहीं सोए थे. हना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड एंड साइड स्लिड बैक ए डोर. हना वेंट टू ए वॉल कपबोर्ड, हना जो है जो वॉल दीवार में कपबोर्ड बना था उसकी तरफ गई, एंड स्लिड बैक ए डोर, और दरवाजे के पीछे गए, एंड टूक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और उसने वहाँ से एक सॉफ्ट क्विल्ट निकाला, तकिया निकाला. शी हेसिटेटेड, पहले वो जो शी हेसिटेटेड, उसको थोड़ी सी हेसिटेशन हुई, हिचकिचाहट हुई. द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद द फ्लावर सिल्क, क्योंकि वो जो क्विल्ट के ऊपर कवर था, जो तकिए का कवर था, वो फूलों का था, सिल्क का बना हुआ. एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और उसके जो ऊपर लाइनिंग थी वो भी प्योर वाइट सिल्क की थी. ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन ए डिस्ट्रेस्ड. शी मर्मर्ड होता बुड़बुड़ाना, वो डिस्ट्रेस, परेशान होकर जो है वो कहती है, ही इज सो डर्टी, ये कितना गंदा व्यक्ति है. येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड ऑफ, सदाओ एग्री, सदाओ ये सहमत हो गया, हाँ पहले क्या करना है इसको, ही हैड बेटर बी वॉश्ड ऑफ, पहले इसको वॉश करो, साफ करो. इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर, अगर तुम पानी लेके आओ, क्या तुम पानी लेके आओगी, गर्म पानी, आई विल वॉश हिम, मैं इसको साफ कर दूंगा. आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, और डॉक्टर सदाओ की पत्नी ने बोला, आई कैन नॉट बियर फॉर यू, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इसको हाथ भी लगाओ. वी शेल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज हेयर, हमें नौकरों को बताना पड़ेगा कि ये यहाँ पे है. आई विल टेल यमी नाउ, मैं अभी यमी को बताऊँगी. शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देगी, एंड शी कैन वॉश हिम, और फिर वो जो है इसको वॉश कर देगी. सदाओ कंसीडर्ड ए मोमेंट, सदाओ ने उस मोमेंट को समझा, लेट इट बी सो, ठीक है ऐसा होने दो, ही एग्रीड. यू टेल यमी, ठीक है तुम यमी को बोलो, एंड आई विल टेल द अदर्स, और मैं दूसरों को बोल देता हूँ. बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, कहते हैं सबसे पहले, बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियसनेस, सबसे पहले तो क्या था, बट द अटर पैलर, बहुत ज़्यादा पीला, ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस, और जो आदमी का जो बेहोशी का चेहरा था वो पीले रंग का हुआ हुआ था. मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप, पहले उसको जो है झुक के जो है उसको मूव किया, हटा हिलाया उसको, एंड फील हिज पल्स, फिर उसकी जो है नब्ज को चेक किया गया. इट वॉज फेंट, ये जो था बेहोश था. इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, ये फेंट था परंतु बेहोश था, परंतु वहाँ था. ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, और उस आदमी ने क्या किया, अपने अपने हाथों को जो उसकी ठंडे ब्रेस्ट पे हाथ रखा. द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, और हार्ट जो था उस आदमी का दिल जो था अभी भी जिंदा था, धड़कन थी. ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ ने बोला, डॉक्टर सदाओ ने बोला, जब तक ही विल डाई, ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया. कंसीडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, कहते ये कंसीडर किया गया, क्या क्वेश्चन था, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, क्वेश्चन ये था कि किसी भी तरीके से वो मरना नहीं चाहिए. हना क्राइड डाउन फियर, हना जो है डर में जो है चिल्लाई. डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाने की कोशिश मत करो. वट इफ ही शुड लिव, क्या करेगा अगर ये जिंदा रहा तो. वट इफ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाई, सदाओ ने बोला, डॉक्टर ने बोला, अगर ये जिंदा रहा तो. वट इफ ही शुड डाई, अगर ये मर गया तो. उसकी वाइफ ने बोला कि वट इफ ही शुड लिव, अगर वो जिंदा रहा तो क्या होगा. और उसने बोला वट इफ ही शुड डाई, अगर मर गया तो. सदाओ रिप्लाई ने बोला, ही स्टूड गेजिंग, वो उसको जो है लगातार दिखता रहा. ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो लगातार जो है उस मोशनलेस मैन को देखता रहा, जिस आदमी के अंदर जो कोई शरीर में हलचल नहीं थी, बेहोश था, दिखता रहा. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटलिटी, इस आदमी में ज़रूर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा ही पावर होगी, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो अभी तक तो ये मर चुका होता. बट देन ही वॉज वेरी यंग, परंतु वो जो बहुत यंग था, पर हैव्स नॉट येट 25, अभी उसकी एज जो है 25 नहीं थी. यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा, हाना आज हाना ने बोला, तुम्हारा क्या मतलब है कि यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, कि ऑपरेशन से जो है मर सकता है, मर जाएगा.
यस सदाओ सर, सदाओ ने बोला यस। हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हना को जो ये संदेह हुआ। एंड वेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न्ड अवे। एंड वेन शी डिड नॉट आंसर, जब उसने जवाब नहीं दिया सदाओ टर्न्ड अवे, सदाओ ने जो है अपने वो मुड़ गया वहाँ से। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, किसी भी हालात में कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए उसने बोला, ही सैड। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, सबसे पहले इसको वॉश करो, साफ करो, इसको धो दो इसको। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वो जल्दी से कमरे से बाहर गया। हना केम बिहाइंड हिम, और हना भी उसके पीछे आ गई। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, शी डिड नॉट विश, और वो वहाँ पर अकेले नहीं रहना चाहती थी जहाँ पर वो वाइट मैन था, अमेरिकन मैन था। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, ही वॉज द फर्स्ट, ये पहला जो था उसने व्यक्ति देखा था, सिंस शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, जब उसने अमेरिका को छोड़ा उससे उसके बाद में उसने पहली बार एक अमेरिकन को देखा था। नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू, अब उसे लगता था कि अब कुछ नहीं करना। विद दोज होम शी हैड नोन देयर, अब उसे कोई काम नहीं था जिनको वो जानती थी। हेयर ही वॉज हर एनिमी, और अब यहाँ पर तो ये दुश्मन है, ए मेनैक है, दुश्मन है, लिविंग ऑर्डर, चाहे वो जिंदा है चाहे वो मरा हुआ है। शी टर्न टू द नर्सरी नर्सरी एंड कॉल्ड यमी, वो नर्सरी की तरफ घूमी और उसने यमी को बुलाया आवाज़ लगा के। स्टूडेंट हेयर मेनेंस मीन्स द डेंजर, खतरा था उनके लिए। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, परंतु बच्चों ने जो उसकी आवाज़ सुनी। शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस, जब बच्चों ने अपनी मदर की आवाज़ सुनी। शी हैड टू गो इन फॉर ए मोमेंट, तो उसे एक पल के लिए वहाँ जाना पड़ा। स्माइल एट देम, बच्चों को देख के मुस्कुराई। प्ले विद द बेबी बॉय, और छोटा बेबी बॉय से खेली। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो 3 महीने का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, शी मोशनड विद हर माउथ। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, कहते जो बेबी के जो हैं सॉफ्ट काले रंग के बाल थे। शी मोशनड विद हर माउथ, और वो उसने उसके मुंह को खोला। यमी कम विद मी, यमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यमी रिप्लाइड, यमी ने बोला कि मैं बेबी को जो है बेड पे लेटा देती हूँ। ही इज़ रेडी, वो रेडी है। शी वेंट विद यमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, वो यमी के साथ बेडरूम में गई, फिर उसके बाद नर्सरी में गई। एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और अपने बेटे को लेके जो है वहाँ पे खड़ी रही। वाइल यमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट, और यमी ने क्या किया, स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट, और जो स्लीपिंग गद्दा था उसको बिछा दिया, फैला दिया फ्लोर पे। एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और वहाँ पे उसने बच्चे को सुला दिया जो उसकी सर्वेंट थी। देन हना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, देन हना लेड द वे क्विकली, और हना फिर जल्दी से क्विकली और सॉफ्टली जो है किचन में चली गई। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, और जो दो नौकर थे वो तो डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे, वट देयर मास्टर, क्यों उनके जो डॉक्टर सदाऊ था उन्होंने क्या बताया उसके बारे में। द ओल्ड गार्डनर, और जो उनका बूढ़ा माली था, हु वाज आल्सो ए हाउस सर्वेंट, और वो घर का नौकर भी था। पुल द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स, और उसने अपने अपर लिप के ऊपर ऊपर वाले हॉर्न पे अपने कुछ बाल डाले। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हना, और उसने जो है एकदम क्लियरली हना को बोला, क्या बोला, द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड, मास्टर को जो है ना इसके जख्मों को, इस वाइट मैन के, ये जो अमेरिकन आदमी हैं, इसके जख्मों को ठीक नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इसको तो मरे जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, देन द सी, फर्स्ट ही वॉज शॉट, कहते पहले तो उसको जो है शॉट किया गया, उसको जो गोली लगी हुई है। देन द सी कॉट हिम, फिर उसके बाद जो है पानी के अंदर था वो। देन द सी कॉट हिम एंड बाउंडेड हिम विद हर रॉक्स, और उसके बाद समुंदर के पानी में जो जकड़ गया, पकड़ा गया। एंड बाउंडेड हिम, और उसको जख्म हो गए चट्टानों के साथ, जब वो चट्टानों के साथ टकराया पानी के बहाव से तो उसको वाउंड्स हो गए, जख्म हो गए। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड, अगर मास्टर ने उसको ठीक कर दिया, मालिक ने ठीक कर दिया, डॉक्टर ने ठीक कर दिया, बट द गन डिड, फिर बंदूक ने क्या किया, जिसने इसको गोली मारी, जिसने इसको गोली मारी उसने मरने के लिए तो गोली मारी, और अब डॉक्टर क्या करेगा, ठीक करेगा। बट द सी डिड, उस पानी ने क्या किया, उस समुंदर ने क्या किया, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, और फिर वो क्या करेंगे, वो हमसे रिवेंज लेंगे, हमसे बदला लेंगे। कौन हमसे बदला लेंगे,
जिसने गन मारी उसको मारने के लिए, पानी ने उसको मारना चाहा, और हम जो क्या है डॉक्टर जो है, डॉक्टर विल ट्राई टू सेव हिम, डॉक्टर उसको बचाएगा, डॉक्टर बचा देगा तो ये क्या करेंगे, गन और सी जो है हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, मैं बताऊंगा उनसे, हाना रिप्लाइड कॉटेसली, आई विल टेल हिम व्हाट यू से, मैं बताऊंगी, हाना ने बोला कि पोलाइटली जो उसने बोला कि मैं बताऊंगी तुम क्या कह रहे हो। बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्रेंटेड, परंतु उसको खुद को भी डर लग रहा था। ऑल्दो शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस, वो अंधविश्वासी नहीं थी, एज द ओल्ड मैन, जैसे कि बूढ़ा आदमी था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या ये ठीक होगा कि हम एक दुश्मन की जो है हेल्प करें। नेवरथलेस शी टोल्ड यमी टू फच द हॉट वाटर, नेवरथलेस शी टोल्ड यमी, उसने यमी को नहीं बोला टू फच हॉट वाटर, कि गर्म पानी लाओ, एंड ब्रिंग इट टू द रूम, कमरे में लेके आओ, वेयर द वाइट मैन वाज, जहाँ पे वाइट आदमी है। शी वेंट अहेड, वो आगे गए, एंड स्लिड बैक टू द पार्टीशन, और जहाँ पार्टीशन थी, जहाँ पे बीच में जो है कमरे के अंदर पार्टीशन था, उसके पीछे चली गई। सदाऊ वाज नॉट येट देयर, सदाऊ वहाँ पे नहीं था। यमी फॉलोइंग, यमी पीछे आई, पुट डाउन हर वुडन बकेट, और उसने एक लकड़ी की बकेट को वहाँ पे रखा। देन शी वेंट ओवर टू ए वाइट मैन, फिर वो वाइट मैन के पास गई, एंड वेन शी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू द स्टबर्न्स, वेन शी सा हिम, जब उसने देखा हर थिक लिप्स, उसके मोटे जो होंठ से वो फोल्ड हुए थे स्टबर्न से, सख्ती से। आई हैव नेवर वॉच्ड ए वाइट मैन, शी सेड, उसने बोला मैंने कभी भी वाइट मैन को वॉच नहीं किया। एंड आई विल नॉट वॉच सो डर्टी ए वन नाउ, और मैं इस ऐसे गंदे व्यक्ति को मैं वॉश भी नहीं करूँगी। हना क्राइड एट हर सीवरली, हना जो है बड़े ज़ोर से जो है वो चिल्लाई, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो तुम्हारा मास्टर कमांड करेगा, जो तुम्हारा मालिक बोलेगा, जो डॉक्टर बोलेंगे। देर वॉज सो फायर्स ए लुक ऑफ रेसिस्टेंस अपॉन यमीज, और यमी के चेहरे पे रेसिस्टेंस, विरोध के जो भाव नज़र आ रहे थे, भयानक से नज़र आ रहे थे। देर वॉज सो फायर्स ए लुक, भयानक भाव नज़र आ रहे थे रेसिस्टेंस, विरोध के, अपॉन यमीज राउंड डल फेस, यमी के राउंड डल फेस पे, दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, और हाना को जो है अनरीजनेबली डर सा लगने लगा। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन्ड, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट, उसे ये डर लगा कि अगर किसी नौकर ने रिपोर्ट कर दी, दैट वॉज नॉट एज इट हैपन्ड, कि ऐसा हुआ है। वेरी वेल शी सेड, उसने कहा कि ठीक है, वेरी वेल शी सेड विद द डिग्निटी, उसने बड़े सम्मान से बोला, रिस्पेक्ट से बोला, वेरी वेल, डिग्निटी होता है रिस्पेक्ट। You understand, we only want to bring him to his senses. तुम समझो कि हम उसको सिर्फ होश में लाना चाहते हैं, so that we can turn him over as a prisoner, ताकि हम उसको एक कैदी की तरह जो है वो पुलिस को दे सकें। Student, I have taught you third part of this chapter, and rest of the things I shall tell you in the next educational video. And student, I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.